क्या आईपीएल में कम हो रही है कप्तान की अहमियत? गंभीर नेहरा डगआउट से ले रहे फैसले, एक्सपर्ट बोले कप्तान का रोल 20% घटा। 14 मई 1999 का दिन, भारत और साउथ अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप मैच चल रहा था। अफ्रीकी कप्तान हैंसी क्रोने फील्डिंग के दौरान कान में ईयरपीस लगाकर उतरे। टीम के कोच बाबू बुलमर उन्हें ड्रेसिंग रूम से स्ट्रेटेजी बता रहे थे। आईसीसी ने फिर ड्रेसिंग रूम से गेम ऑपरेट करने की एक्टिविटी पर रोक ही लगा दी। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हुए आईपीएल 2024 में आते हैं। यहां कप्तान कान में ईयरपीस लगाकर तो नहीं खेल रहे, लेकिन डगआउट में बैठे कोच या मेंटर ही अपनी टीम के लिए फैसले ले रहे हैं। इससे सवाल उठता है कि क्या टी20 क्रिकेट में कप्तानों की अहमियत कम हो रही है? कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। वे बतौर बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। टीम के अहम फैसले मेंटर गौतम गंभीर और कोच चंद्रकांत पंडित ले रहे हैं। प्लेइंग 11 से चुनाव से लेकर मैच प्लान तक यही तैयार कर रहे हैं। गुजरात टाइटंस टीम के कप्तान युवा बल्लेबाज शुभमन गिल हैं। गिल के लिए बतौर बल्लेबाज ये आईपीएल ठीक ठाक जा रहा है। इस टीम की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को कोच आशीष नेहरा डिसाइड कर रहे हैं। नेहरा टीम की फील्डिंग के वक्त भी बाउंड्री लाइन से बाहर इंस्ट्रक्शन देते नजर आए। मुंबई इंडियंस टीम की कप्तानी 2024 में हार्दिक पांड्या को मिली। मुंबई इंडियंस ने शुरुआती मैच गवाए तो हार्दिक की आलोचना हुई। तब मेंटर कायरन पोलार्ड ने कहा कि टीम के फैसले उन्होंने और कोच मार्क बाउचर ने मिलकर लिए हैं। पूरे सीजन के दौरान दोनों का प्रभाव मैच और हार्दिक पर साफ तौर पर नजर आया। दिल्ली कैपिटल्स टीम के कप्तान ऋषभ पंत हैं। वे बतौर बल्लेबाज अच्छा खेलते हैं, लेकिन टीम के फैसले डगआउट में बैठे हेड कोच रिकी पोंटिंग ले रहे हैं। स्ट्रेटेजी कोच पोंटिंग और डायरेक्टर सौरभ गांगुली ने तय की। लखनऊ सुपर टाइटंस एलएसजी के कप्तान केएल राहुल हैं। वो टीम के टॉप रन स्कोरर रहे हैं, लेकिन फैसलों में कोच जस्टिन लैंगर की भूमिका अहम रही। उन्हीं के प्रभाव से टीम ने आरसीबी के खिलाफ लेफ्ट आर्म स्पिनर एम सिद्धार्थ को मौका दिया, जिन्होंने पावर प्ले में विराट कोहली का विकेट लिया। हालांकि टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी। लैंगर की एंडी फ्लावर और गौतम गंभीर की जगह लाया गया था, जिनकी मदद से लखनऊ ने 2022 और 2023 का प्लेऑफ खेला था। फ्लावर आरसीबी के कोच बने, वहीं गंभीर ने केकेआर की मेंटरशिप संभाली। दोनों की टीमों ने इस सीजन में प्लेऑफ में जगह बना ली। खेल की रफ्तार काफी तेज। टी20 क्रिकेट एक तेज रफ्तार खेल है। 100 मिनट में 20 ओवर फेंकने होते हैं। स्लो ओवर रेट की पेनल्टी कप्तान को ही भुगतनी पड़ती है। ऐसे में कप्तान सभी पहलुओं पर फोकस नहीं कर पाता है। समय की कमी की समस्या को खत्म करने के लिए टीम के एक से ज्यादा ब्रेन मैच पर अप्लाई होते हैं। मेंटर या कोच के लिए ये काम आसान होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।